Vila family lo, vala nana, mariyu, amma, iddaru unnaru. To James vala family gurinchi chuddama mari ipudu. Are mar 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 dekho samne se aa. Shit yaar tu kaise khel raha hai? Shit main haar gaya. Are ronak ring ring phone breakindi. Are ronak ka call. Aur badi kaisa hai tu? Aur bhai kya kar raha hai? बस कुछ नहीं यार, पबजी खेल रहा था. क्या पबजी खेल रहे क्या? कल का सेट किया क्या तू पार्टी के लिए सब? अरे पार्टी के लिए यार पैसे का कुछ जुगाड़ नहीं हो पा रहा है. अरे पैसा जुगाड़ क्या करने का? देखो अभी निकालना मम्मी डैडी से. अभी तेरे को तो पता ही है मेरे मम्मी डैडी कितने कंजूस हैं, मुझे तो पैसे ही नहीं देते वो लोग. जैसे ही मेरी मम्मी डैडी देते हैं ना, ले बेटा ले पार्टी कर, है ना. अब तू ही बता मैं कहाँ से पैसे लाऊँ. अरे कहाँ से लाएगा, डैडी के वॉलेट से निकाल ले दो तीन नोट. क्या डैडी के वॉलेट से? तो और किसी वॉलेट से निकालेगा. चल कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ मैं. ट्राई भाई नहीं भाई, देखो आना पड़ेगा ठीक है. हाँ तू आ, मजे करेगा हम लोग, टेंशन मत ले. हाँ हाँ चल देखते हैं. चल अब पार्टी के लिए पैसे कहाँ से लाओ? ये तो बोल रहा है कि डैडी के पॉकेट से ले लूं. अगर पार्टी में पैसे नहीं ले गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी. चलो थोड़े से ही पैसे है ना, ले ही लेता हूँ. ఇతను జేమ్స్ వాళ్ళ నాన్న, ఎంతో కష్టపడి పని చేస్తాడు, లైఫ్లో చాలా బిజీ. తాను ఏదో పని చేసుకుంటాడు, ఫ్యామిలీలో స్పెండ్ చేయడానికి కూడా టైం లేదు తన దగ్గర, అంతా బిజీ. మరి చూద్దామా. जेम्स उठ, कॉलेज नहीं जाना है. क्या है डैडी यार, मुझे सोने दो, मैं रात भर गेम खेल के थक गया. मैंने खेलने बोला था. डैडी यार डिस्टर्ब मत करो, सोने दो, कॉलेज के लिए रेडी हो, 10 मिनट में रेडी हो जा. सोने दो डैडी. जेम्स, जेम्स बेटा क्या उठ जा, है उठ जा, कॉलेज के लिए टाइम हो रहा है. जेम्स उठ जा. क्या ये रोज रोज का कॉलेज कॉलेज, मुझे नहीं जाना. जेम्स उठ जा. क्या यार ये लोग रोज परेशान करते रहते हैं सुबह सुबह. हे माँ, ये तुमने बाइक की चाबी कहाँ पर रखी है? बाइक की बाइक? हाँ माँ, आज फ्रेंड का बर्थडे है ना, तो मैं सोच रहा था कि बाइक लेकर जाऊँ. बाइक नहीं चला सकते, चाबी नहीं है आपके पास, लाइसेंस नहीं है. माँ तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हारा बेटा राइडर है, राइडर. अरे वो देखो चाबी मुझे मिल गई. अच्छा माँ चलता हूँ, आते समय लेट हो जाऊंगा. हेलो हेलो, क्या आप जेम्स के डैडी बोल रहे हैं? आपका बेटे ने बीकेसी में बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया है बाइक के साथ, और उसमें एक लड़की को बहुत घायल हो चुकी है लड़की, और साथ में आपके बेटे को भी हाथ पैर पे मार लग चुके हैं, फ्रैक्चर हो चुका है, और सिटी हॉस्पिटल में अभी हम लोग हैं. तो आप तुरंत इमिडिएटली सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाए. क्या क्या जेम्स ने किसी का एक्सीडेंट किया है और उसका भी हाथ फ्रैक्चर हो गया है. चलो जल्दी सिटी हॉस्पिटल में वो एडमिटेड है. मेरा वो बाइक का कीज लेके आ जाओ. जेम्स लेके गए ले. क्यों, उसको तो मना किया था मैंने. ये लड़का सुनता ही नहीं है. चलो जल्दी चलो चलो. मेरे पैसे, मेरे पैसे कहाँ गए? नहीं पता. ओ ये लड़का अभी चोरी भी करने लग गया.
चलो चलो जल्दी जेम्स क्या हुआ बेटा कैसा है जेम्स क्या हुआ जेम्स क्या करूं इस लड़के का क्या कमी थी हमारे परवरिश में तुझे जो भी बचपन से चाहिए था सब कुछ तो लाके दिए फिर भी तुझे बाइक चलाने से मना किया था ना मैंने क्यों कभी सोचा नहीं तेरी उम्र नहीं थी बेटा इसलिए मैंने मना किया था एक बार तो हमारे बारे में सोचता और जो पैसे तूने चोरी किए वो पैसों से मैं तेरा फीस भरने वाला था तुझे मैंने कभी वैल्यूज ही नहीं सिखाया माँ बाप की इज्जत कैसे करते मैंने कभी इसको सिखाया ही नहीं मेरी गलती है ये इसको बोल के क्या फायदा कभी प्रार्थना करना नहीं सिखाया माँ बाप का प्यार कैसे होता है नहीं सिखाया नहीं बताया कभी कभी प्रभु का वचन तुझे शेयर नहीं किया तुझे शेयर करना तो छोड़ मैंने खुद कभी नहीं पढ़ा मेरी गलती है अगर आज मैंने तेरे साथ पहले से ही प्रभु का वचन शेयर किया होता तो शायद आज ये सब ना होता मेरी गलती है बचपन से ही तेरे लिए बहुत कुछ किए कितना सैक्रिफाइसेस किए काश प्रभु का वचन भी शेयर कर दिया होता ऐसा दिन देखना ना पड़ता ఇప్పుడు జేమ్స్ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని చూసాం అదే విధంగా ఆర్యన్ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని చూద్దామా ఆర్యన్ హౌ విజయ్ నా కైసే బస్ ठीक ऐसे बैठा था गेम खेल रहा था अच्छा वो सब ठीक है बट कल का पार्टी का कुछ प्लान किया कि नहीं पार्टी पार्टी का प्लान मेरे पास पैसे पॉकेट मनी सब खत्म हो गया यार काम नहीं हो सकता अरे ऐसा थोड़ी चले कंट्रीब्यूशन का प्लान किए थे ना रे सब लोग ने और आना तो पड़ेगा ही अरे पैसे ही नहीं मेरे पास तो मैं कैसे दूंगा पैसे एक काम कर डैड के पॉकेट से पैसे उठा पॉकेट से कैसा उठा सकता हूँ मैं गलत बात है ये रोज रोज थोड़ी उठा रहे आज एक दिन ना ऐसा ऐसा नहीं कर सकते पागल है क्या अरे कल मजा करने के लिए ना एक दिन उठा कौन दिख रहा है नहीं ऐसा नहीं है गलत है गलत अरे तू बता यार कौन देख रहा है कोई इधर एक बात बोल रहा हूँ कल पूरा दिन मजा करेंगे आज पॉकेट से उठा जा बोला ना जा 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 आर्यन हाँ एंजल चल मम्मी बुला रही है मम्मी बुला रही है हाँ. चलो जाते हाँ विजय विजय आओ ना मम्मी से मिलके जाते अरे मम्मी को अच्छा लगेगा बाबा अरे चल आ जा मम्मी बहुत भूख लग रहा है मम्मी कुछ खाने के लिए दो प्लीज हेलो बेटा है ये सब क्या है हर बार वही खाना एक हफ्ते से खा खा के पक गया हूँ मम्मी आज खा लो बेटा आज के दिन ऐसे कैसे खा सकता हूँ मैं मेरा मेरा खाने में अभी इंटरेस्ट ही चला गया सब खा के मुझे नहीं खाना है पकड़ो मैं नहीं खाऊंगा मैं कोई सब नहीं जमता मैं जा रहा हूँ आर्यन थोड़ा पानी देना हर बार यही है इनका आर्यन मेरे को पानी देता तो अच्छा होता
आर्यन एंजल यस डैडी ठीक हो बेटा आ जाओ कैसे डैडी ठीक हो बेटा अच्छा बच्चों आज का दिन कैसा था तुम लोग का अच्छा था नॉर्मल सा था कॉलेज जाके आए हाँ जाके आए और क्लासेस भी जाके आए हाँ अच्छा पढ़ाई कैसे चल रहा तुम लोग का ठीक ठाक चल रहा है डैडी अच्छा खाना अच्छा खाए जा रहा है हाँ खाए डैडी खाना खाए बेटा खाना खाने का पूछो ही मत डैडी हर बार का मम्मी ने वही खाना बना के दिया है एक हफ्ते से वही खाना बना के दे रही है मेरे को अभी कुछ बात ही नहीं करना है मम्मी इतना इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते डैडी आप भी समझाओ बेटा तुम्हें मालूम है बाहर कई लोगों को खाना नहीं मिलता है पर परमेश्वर ने हमें 3 टाइम का खाना दिया है तो जो हमें मिल रहा है हमें उसमें खुश रहना चाहिए ठीक है हाँ डैडी चलो आ जाओ अभी अपने वचन पढ़ते इफिसी का 6वां अध्याय 1 ये कहता है कि हे बालको प्रभु में अपने माता पिता आज्ञा बनो क्योंकि यह उचित है अपनी माता और पिता का आदर करो यह पहला आज्ञा है और सात प्रतिज्ञा भी है कि तेरे माता और पिता का आदर करना धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा यह परमेश्वर का वचन कहता है हाँ डैडी चलो आज अभी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते आपने इतना अच्छा दिन दिखाया कई लोग ये दिन नहीं देख पाते पर आपने हमें ये अवकाश दिया आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है कि बड़ों का आदर करो और अपने माता पिता का सम्मान करो ये चीज़ बच्चों के दिमाग में डालना और वो ये चीज़ पालन कर सके वैसा आप सहाय करना अपने जीवन में कई बार लोग को कितने कष्ट आते हैं और कितने लोगों से प्रॉब्लम आता है पर वो सब गुस्सा ना करे और उनकी रिस्पेक्ट करे वैसा आप इन्हें सिखाना ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन गुड नाइट डैडी गुड नाइट गुड नाइट मम्मी बहुत भूख लग रहा है यार सुबह से कुछ नहीं खाया बहुत भूख लग रहा है अम्मा आर्यन बेटा ये खा लो सुबह से कुछ नहीं खाया मैं नहीं खाऊंगा हर बार का वही है खा लो बेटा आज एक दिन चलेगा आज के दिन बस हाँ मेरा प्यारा बच्चा आज आ रही तुझे क्या हुआ था तू ऐसा नहीं था तू सुबह अपने डैडी की जेब से पैसे लेने जा रहा था आज अपनी मम्मी का तू तिरस्कार किया मम्मी को एक बॉटल एक ग्लास पानी चाहिए था तू वो भी नहीं दिया आज का वचन डैडी ने कितना सुंदर सिखाया कि बड़ों का रिस्पेक्ट करो मम्मी डैडी को रिस्पेक्ट करो लोगों को फॉरगिव करो लेकिन तूने क्या किया तूने उल्टा मम्मी से ऐसा बर्ताव किया ऐसा नहीं था आर्यन तू नहीं था आर्यन नहीं था अभी नहीं करूंगा मैं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं अड़ी पो तुम ना पदे पदे ये सैया चारी पो तुम ना मरी मरी मरिंतगा पड़ी पो तुम ना पदे पदे ये सैया चारी पो तुम ना मरी मरी मरिंतगा
Thank you.